आके कहाँ गया, फिर राजगृह नगर में एक सथावर नामक ब्राह्मण होया, फिर माँ स्वर्ग में गया, फिर ऐसे गया, फिर शुक्र स्वर्ग, फिर और सातवें नरक में गया और 296 पृष्ठ पे, फिर कहाँ गया, सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः प्रथम नरक में गया, फिर ये नो होया, आगे दिखाते हैं फिर के होया आखिर में कि जम्बू दीक्ष छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, श्री महावीर भगवान के जीव ने यानी कितने पाखंड यानी बकवाद साधना चलाई, इन्हीं का ये उत्तर दे रहे हैं, 360 पाखंड मत चलाए, बकवाद साधनाएं चलाई, जो आज वर्तमान में जैनी जिन साधनाओं को कर रहे हैं वो महावीर जैन द्वारा ये पाखंड साधनाएं हैं। ये है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जिसमें बहुत विस्तार से सब निष्कर्ष निकाल के बताया है। जैनी जन्म जुआ जो हारो हो, पांचों इंद्री कस कस मारो, जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का वेला, जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे तेली का हो वेला। एक तेली का बैल होता था, तेली होते थे उसमें, जैसे कोल्लू होता है, कोल्लू में एक एक बैल को जोत दिया जाता था और वो सारा दिन उसी एक फिक्स राउंड में घूमता रहता था, ऐसे सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो मरता बैल उस तेली के ही उस कोल्लू में एक ही स्थान पर चक्कर काटता रहता। तो ये बताते हैं कि तुम इस काल के साधना करके उस तेली जैसे बैल बने हुए हो, कभी स्वर्ग में गए, फिर गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, फिर देवता बने, फिर गधे बने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे, ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। अपरमात्मा कहते हैं जय कोई कहा हमारा माने, तो सतलोक में सचखंड के अंदर निश्चय आने। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो, करते आए हो, उससे ये दुर्गति सभी प्राणियों की हुई है। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैल वे। तो पुणात्मा सत साधना जो जब तक जीव को नहीं मिलती, ये चाहे घर त्याग कर कि धक्के खा लो, चाहे कितनी साधना कर लो, पूर्ण संत नहीं मिलेगा और सत साधना नहीं मिलेगी तो इसकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। तो वो सत साधना, वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। आप आओ और अपने सब मित्र प्यारों को समझाओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर साहब, जुलाहा कबीर धानक कबीर, ये हमारे परम पिता हैं, हम सभी आत्माओं के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ये ओवरऑल कंट्रोलर हैं, ये कंप्लीट गॉड हैं, ये वो परमात्मा हैं जो काशी शहर में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहाँ से एक नीरू और नीमा नाम के पति पत्नी दुलाहा दंपति उठा ले गए, वे नी संतान थे। ये पिछले संस्कारों से परमात्मा उनको इस तरीके से मिले थे। परमेश्वर कहते हैं जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दास और गेल गेल ला गया फिरूँ,
जब तक धरती आकाश है। जो बच्चा गौ की नजर में यो साई को संते, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंत। पिछले संस्कारों वश अपने वचन अनुसार ये परमात्मा जुलाहा दंपति को शिशु रूप में प्राप्त हुए और ये ऐसी लीला प्रत्येक युग में करते हैं और फिर जुलाहे का कार्य करने लगे। जुलाहा वर्ण में जन्म तो मालिक का नहीं था, लेकिन ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ना सतगुरु जननी जने इनके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है जहां न तीनों ताप। वो परमेश्वर, वेद भी बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा को वो माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, परिभू है, स्वयं गति करके सतलोक से चलकर आता है। वो ऊपर प्रकाश में स्थान यानी सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से परमात्मा आते हैं। तब वो एक जनसाधारण की लीला करते हैं, अपना निर्वाह भी एक जनसाधारण की तरह करके दिखाते हैं। ये वेद में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में। अनुवादकर्ताओं ने वेदों को ठीक से समझा नहीं, उन्होंने अनुवाद ठीक नहीं कर रखा, लेकिन मूल संस्कृत सही प्रमाण कर रही है। वो परमेश्वर हमें आकर बताते हैं कि आप जी सभी पुण्यात्माएं यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक के रहने वाले हो। पुण्यात्माओं, जब तक आपको परमात्मा की शरण नहीं मिलती, तत्व ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हम कोरी बकवाद पसंद करते हैं, फिल्मी गाने, बढ़िया और भी डांस, डीजे और शराब, भांग, तंबाकू, पान खाना, जो एक मनुष्य का आहार नहीं है, उसको हम करते हैं। फिर जब हमें ज्ञान होता है, तब ये आत्मा अपने आप, जब भक्ति की आपके अंदर अधिकता हो जाएगी, अंतःकरण में आपकी जो है ना सफाई आएगी, मलिनता कम हो जाएगी, उस समय आपको कोई फिल्मी गाने या कोई डांस नाच या डीजे आदि का ये बकवाद कतई नहीं सुहावेगी। ये सत्कर मान लेना। परमात्मा कहते हैं अनसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पति आए। जैसे सरोवर के ऊपर, झील के ऊपर जिसमें मोती होती हैं, और वहीं पर सीप, जिससे मोती होती है उसको सीप बोलते हैं, और उसी प्रकार के एक संखले से होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं, तो वहाँ पर हंस जो होता है वो उन संखलों को नहीं खाता, उनको गोगे बोलते हैं, उन गोगों को नहीं खाता। तो ऐसे ही जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आप हंस हो जाओगे, तो परमात्मा कहते अनसा देश सुदेश का, उस अच्छे देश का रहने वाला था तू, यहाँ पड़ा कुदेशा आए, इस गलत देश में, काल के लोक में, 21 ब्रह्मांडों में आकर गिर गया तू अपनी नालायकी से, गलती से। और जिनका चारा मोतियाँ वो गोग्यों क्यों पति आए। जब तक ज्ञान नहीं था तब गोगे खा रहे थे, यानी राम नाम की मोती छोड़ के कोरी बकवाद इकट्ठी करे थे, धन जोड़न की वृत्ति, कार बढ़िया लेने की अटकलबाजी,
फिर सौ सौ पाप करे थे और टेंशन में नारी रहे थे, शराब की घुट्टी लावे थे, लंबी सिगरेट लाकर टीरी खा पाके आना थे। अब पता चला जीव की क्या औकात है। हम जीव होकर भी अपने आप को जीव नहीं समझ सके थे, हम बहुत कुछ मान बैठे थे। अब हमने अपने अस्तित्व का, अपनी औकात का ज्ञान हो गया। अब अपनी औकात से कोई बार बात करेगा तो वो मार खाया करे। अरण्यकश्यप एक जीव था, परमात्मा से एक थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त करके, उसी की पूजा मजदूरी करके आध्यात्मिक शक्ति ले ली थी, और फिर हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गया कि मैं ही भगवान हूँ। परमात्मा ने बताया है कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूटबे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे, हूं करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे, बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। कहते हैं जो मैं करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। जीव नहीं कर सकता कुछ भी। अब किसी को पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग हो जाता है, हाथ भी नहीं उठता, बांगा मुंह हो जाता है टेढ़ा मुंह, और माखी बढ़े और लकड़े लाल पड़े, तो हमने पता लग गया हमारी क्या औकात है, क्या बुनियाद है हमारी। तो अब हम अपनी इस भूल को सुधार के परमात्मा की भक्ति करेंगे, ये आत्मज्ञान है। अब जितने भी संत हैं आत्मज्ञान पर घाटा जोड़ रहे हैं, आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो भी गया तो परमात्म ज्ञान बिना उसका क्या बनेगा। आत्मज्ञान क्या है? अपने बारे में जानकारी कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ किस लिए कष्ट उठा रहा हूँ, दिस इज आत्मज्ञान, ये है आत्मज्ञान। तीसरे के कला टूट गया, हमें पता भी लग गया कि हम यहाँ कैद में पड़े हैं और हमारे पास कोई यहाँ कैद से निकलवाने वाला कोई है नहीं, कोई जमानती लेने वाला नहीं, कोई जमानत लानिया नहीं, कोई वकील कर रख्या नहीं, हमें ज्ञान भी हो गया तो हम बाहर कैसे आएंगे। तो ऐसे ये तो आत्मज्ञान है। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित होती है, वो बाहर कोई लाभ नहीं उसका। अब परमात्म ज्ञान से बात बनेगी, परमात्म ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विद्यमान है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा उत्तम है, कौन सा अनुत्तम है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। परमात्म तत्व का यानी उस समर्थ प्रभु का, पूर्ण परमेश्वर का। तो यहां पर पुण्यात्माओं आत्मज्ञान भी और साथ में परमात्म ज्ञान भी कराया जाता है। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम गलत स्थान पर आकर गिर गए हो, आप यहाँ से अपना पीछा छुटवाओ। उसके लिए क्या बताते हैं, सतलोक में चल मेरी सुरता, हे मत ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी,